का। मणिपुर के 12 मतदान केंद्रों पर 5 मार्च को दोबारा वोटिंग होगी। पेसो चीन में फंसे 1000 भारतीय छात्र भारत, यूक्रेन और रूस के संपर्क में, लगातार गोलाबारी से निकलने में परेशानी। भारत ने रूस का दावा किया खारिज, कहा छात्रों की निकासी में मिल रहा है यूक्रेन का पूरा सहयोग। विदेश मामलों की परामर्श समिति में बोले राहुल गांधी, यूक्रेन के बहकावे में चीन की नजर भारत पर। जम्मू कश्मीर में उद्योग के लिए विदेश निवेश की राह अब और हुई आसान, सरकार ने पहली बार बनाई अलग नीति। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत सुबह इंडिगो का एक विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से बुखारेस्त से दिल्ली के हवाई अड्डे पहुंचा, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सभी छात्रों का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं और खुद इसको देख रेख कर रहे हैं। जब तक सारे छात्र यूक्रेन से वापस नहीं आ जाते, तब तक ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। हर तरह का इंतजाम यूक्रेन में कर दिया गया है, साथ ही भारत आने के बाद भी इनके अपने घर जाने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के मुंबई एयरपोर्ट पर शुक्रवार तड़के एयर इंडिया का विमान लैंड हुआ, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को रोमानिया से बुखारेस्ट के रास्ते लाया गया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने छात्रों का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार देर रात ट्वीट कर बताया कि शुक्रवार को यूक्रेन से अपने नागरिकों को लेकर 18 विमान भारत आ रहे हैं। यूक्रेन के एनरहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लांट में रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। प्लांट के डायरेक्टर का कहना है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने नहीं दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देर बाद प्लांट में कई धमाके भी हुए। आग के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए। वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रमुख इमोर का कहना है कि परमाणु सुरक्षा को लेकर तोड़फोड़ किया गया है, हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग अभी तक लगी हुई है। फायर टेंडर के आने का भी इंतजार किया जा रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, रिएक्टर अभी खतरे में है। खबर गाजीपुर से है, जहां की जमानिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने बीते गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही सरकार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी घोषणा पत्र के बारे में भी उन्होंने बताया कि एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का काम होगा। साथ ही गहमर के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा कि मां भारती की रक्षा के लिए सेना में तैनात जवानों के इस पावन धरती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। इस जिले की अपनी पहचान है, आज से नहीं त्रेता युग से इसका इतिहास रहा है। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने पेंशन नीति के तहत 10% का अंशदान अपने शासनकाल में जमा नहीं किया, जिसे भाजपा ने जमा कराया। नई पेंशन में पुरानी पेंशन को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में दुष्प्रचार करके कर्मचारियों को भ्रमित किया जा रहा है। हमने 10% अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है। वही सपा केवल दुष्प्रचार करने से वोटों को प्रभावित करने का काम कर रही है। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर में
डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने सपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए भाजपा सरकार की बीते 5 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। आपको पता होगा कि फौज में भर्ती कौन कराता है, फौज में भर्ती फौज कराती है, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कराती है। यानी झूठ बोलो और झूठ बोल के जनता को भ्रमित करो, ये काम भाजपा नहीं करती है, समाजवादी पार्टी करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज आए थे मिर्जापुर में, उन्होंने एक चीज कहा कि जो बीजेपी है वो खाता जो खुलवाई है, गरीबों को पैसा जमा कराई और बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ करके उनको यहाँ से निकाल दिया, खाता इसलिए खुलवाया जा रहा है। उनसे पूछो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 36,000 किसानों का जो 36,000 करोड़ रुपया है, 86 लाख किसानों का ऋण किसने माफ किया? कांग्रेस नहीं, बीजेपी ने माफ किया। और जो जनधन खाते हुए कोरोना के समय महिलाएं जिनके जनधन खाते थे 1500 रुपए उनके खाते में किसका पहुंचा? खबर औरैया से है, जहां इरवा कटरा के डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज में शिक्षक विधायक आकाश अग्रवाल ने वित्त विहीन शिक्षकों के साथ बैठक की। इसमें कॉलेज की छात्राओं ने पहले सरस्वती जी की वंदना करते हुए शिक्षकों का स्वागत किया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी कॉलेज के प्रबंधक और शिक्षक मौजूद रहे। आगे उन्होंने बताया कि हमने विधान परिषद में वित्त विहीन शिक्षकों के साथ हो रही अनदेखी को लेकर सदन में बात रखी है, अपने बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं जिसमें काफी प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है, लेकिन बात करें तो वित्त विहीन शिक्षकों के साथ अभी भी अनदेखी की जा रही है। वहीं डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक मदन लाल गुप्ता ने बताया कि आगामी 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जो हमारे शिक्षक विधायक ने सदन में बात रखी और ऐसी समस्याओं को रखा जो हम वित्त विहीन शिक्षक सदैव उनके लिए आभारी रहेंगे। सर, आप लोहिया इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं और आज आपके स्कूल में एक जो स्वागत समारोह किया गया विधायक का, क्या इसका उद्देश्य है? श्री आकाश अग्रवाल जी वित्त विहीन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश में। आज 30 साल के इतिहास में पहली बार वित्त विहीन शिक्षकों को एक आवाज़ मिली है, एक ऐसा स्वर मिला है जो विधान परिषद में इन वित्त विहीन शिक्षकों के हितों की बात कर रहा है, वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के हितों की बात कर रहा है, उनके अभिभावकों की सरकारी सहायता की बात कर रहा है। पहली बार एक ऐसा सशक्त आवाज़ मिली है कि जो सरकार के तक इनकी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां एक नाबालिग छात्रा से रेप करके उसको जहर देने का मामला सामने आया, जिसे गंभीर हालत में पुलिस ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, इलाज के लिए उसे भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही युवक पर बहला फुसला कर अपने साथ युवती को ले जाने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और आगे कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जग रोशनी है जी। क्या नाम है आपकी लड़की का? खुशी है जी, मेरे देवर की लड़की है वो। क्या हुआ इनको? इसका जहर खाना बताया जी इसको, इसका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों जहर खाया जी? पता जी, सुबह के पेपर देने के लिए गई थी, फिर हम मास्टर आए हमारे घर, उन्होंने कहा भाई तुम्हारी लड़की नहीं है, अरे भाई अपनी लड़की को देखो कुमकत कहाँ, मैंने बच्चे देख के भाई हमें जहर खाई मिली लड़की है। कहाँ मिली थी? जंगल स्कूल की तरफ ही देखने गए थे, दूसरी साइड से रास्ता पड़ता है जी। आप किसी पे आरोप लगा रही हैं जिसने जहर दिया है? लड़की हाँ जी, लड़की खुद बता रही है जी, साहिल ना, साहिल नाम का लड़का है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लड़की का बयान करो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। थाना कोतवाली देहात के बिजोपुरी गाँव का ये मामला है। इसमें एक युवती आज अर्ध बेहोशी की दशा में थाना कोतवाली देहात आई थी, फिर थाना कोतवाली देहात द्वारा तुरंत उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसके परिजनों ने बताया है कि गांव के एक युवक द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है और उसको कुछ जहरीला पदार्थ दिया गया है, इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त। खबर सीतापुर के सिदौली तहसील के संदना थाना क्षेत्र के ग्राम महसूई की है, जहां बीते 2 दिन पहले गांव के बाहर पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मृतक युवक की पत्नी और उसके बहनोई पर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है।
वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन मृतक की पत्नी 1.5 महीने से अपने मायके में रह रही थी और लगातार अपने जीजा के साथ बातचीत भी किया करती थी। सीतापुर के महमूदाबाद के गोड़ौचा चौराहे पर ससुराल वालों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जबकि युवक अपनी पत्नी से समझौता करने गया था, लेकिन समझौते की बात अचानक हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं ये पूरा विवाद लगभग आधे घंटे बीच सड़क पर चलता रहा, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों में हुए विवाद को शांत कराते हुए घायलों को CHC बिसवा में भर्ती कराया, जिसके बाद युवती के पति ने ससुराल पक्ष के खिलाफ सदरपुर थाना क्षेत्र में शिकायत भी दर्ज कराई है। फैसला हो रहा था, फैसला होने के बजाय लोग मारने लगे। सुखराज, मोहित, देराज, उनकी घर की औरतें थी, उनके 2-3 लोग रिश्तेदार। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल की CMS चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाया कि बिना इजाजत उनके दफ्तर में चौकी इंचार्ज उनके साथी पुलिस कर्मियों के साथ घुस गए और नियम के विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन जब उनका काम नहीं हुआ तो झल्लाए चौकी इंचार्ज ने दफ्तर के भीतर ही जमकर हंगामा किया। तो वहीं इस बात से नाराज CMA ने उच्च अधिकारियों से कोतवाल और चौकी इंचार्ज की शिकायत की है और कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। मैं कार्यालय में बैठी थी, अपने कार्यालय में मैं सरकारी कार्य कर रही थी। उसी बीच प्रकाश पांडे, जो राणा बेनी माधव का चौकी इंचार्ज, आया 8-10 लोगों को लेके और धमका रहे हैं कि आप हमको ऐसे कर देंगे, आपको ऐसे कर देंगे। और मामला इनके संज्ञान में, हमारे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। ये जबरी अस्पताल में प्रेशर बनाते हैं गलत कार्यों के लिए, मरीजों से पैसा लेते हैं, धमकाते हैं, रात में यहाँ असामाजिक तत्व लोगों को बैठाते हैं अपने कमरे में और रैन बसेरा बगल में गाड़ी पार्किंग कराते हैं और मरीजों के रिश्तेदारों को, हमारे स्टाफ को धमका के वसूली करते। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा हो गया है, जहां कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के तिवारी का पूर्वा बड़नी गांव के पास अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है। तो प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराते हुए सभी घायलों के परिजनों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।